न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आज ही जाने को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे पर्ल के बारे में, जो हमें पर्ल से आवेदन के लिए सेवी की बनाई हुई वेबसाइट पर अप्लाई करना है और कैसे करना है, जो उसकी लास्ट डेट क्या है। आज का हमारा टॉपिक है PACL रिफंड प्रोसेस लास्ट डेट फॉर अप्लाई। तो चलिए, हम आपको हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं और आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो PACL रिफंड की लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2019, यानी 30 अप्रैल 2019। तो लोगों तो ये था कि जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी एक मंथ बाकी है जिसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर, अभी आवेदन जारी हैं, आप कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए हमें जो प्रॉब्लम थी, अलग अलग डिफ़िकल्ट, तो हमने उन सभी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो ऊपर आई बटन में शो हो रहा है। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने बताया है कि PACL का वेरिफिकेशन लेटर किस तरह हासिल करना है। ऐसे ही हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए PACL अप्लाई करने के लिए, पैन कार्ड वगैरह, और सब इस वीडियो में बताए गए हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड या कैंसिल चेक नहीं है तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, वो आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका फॉर्मेट और साइज क्या होना चाहिए, वो आप हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और जो हमें वेरिफिकेशन लेटर भरना है वो स्टेप बाई स्टेप किस तरह फिल करना है, वो भी हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और जो वेरिफिकेशन लेटर है, क्या हमें बैंक में उसकी फ़ीस देनी होगी, क्या हमारे उससे पैसे लगेंगे, ये जानिए इस वीडियो में। और अगर हमें रजिस्ट्रेशन एरर आ रहा है तो सलो तो ये प्रॉब्लम था, PACL नंबर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आ रहा था और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सेवी तो मेल कैसे करना है, ये हमने हमारी वीडियो में बताया हुआ है। और तो से लोगों में था, जैसे जब हमने पीछे बताया थी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऐसा क्यों था, ये भी हमने इस वीडियो में बताया है। और अगर आपके पास पॉलिसी और स्लिपें नहीं हैं, आपने पहले ही जमा करा दी, तो आपके पास कौन सी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट स्लिप कैसे जमा करनी है। अगर आपके बच्चों के नाम पॉलिसी है तो क्या हमें उनका पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो क्या उनका कोई नॉमिनी, कोई लीगल हायर, यदि परिवार का फैमिली रिलेशन का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से साथ जुड़े रहिए। और अगर आपकी पॉलिसी और बैंक नेम में डिफरेंस है, जब पैन कार्ड में नेम डिफरेंट है तो क्या करना है। और जब हमने फाइल एरर आ रहा था उनके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा था, वो जो इस वीडियो में हमने बताया था। और क्या PACL का पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ ब्याज समेत मिलेगा, ये ऐसा सेवी ने अपने सवालों में बताया है इस इंटरेस्ट का जवाब।